राजधानी के तेलीबांधा थाना इलाके में अवैध नशीली टैबलेट की तस्करी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राजधानी के श्याम नगर स्थित क्रिश्चियन मोहल्ले के पीछे एक व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीले टैबलेट रखा है और बिक्री करने की फिराक में है, जिस पर तेलीबांधा पुलिस ने उक्त स्थान पर जाकर व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में व्यक्ति ने अवैध नशीली टैबलेट की तस्करी करना स्वीकार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास रखे थैले की तलाशी ली, जिसमें अलग अलग स्ट्रिप में कुल 1000 नग निट्राजेपम प्रतिबंधित नशीली टैबलेट जब्त किया। वहीं आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में लगभग 1000 नशीली टैबलेट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसको जेल दाखिल किया जा रहा है। ये जांच का विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में उसके पास टैबलेट कैसे है। हमारी टीम आज लगी हुई है, अभी पूछताछ जारी है। माननीय न्यायालय के पेश करने के पहले कुछ और इनपुट हमें मिल सकते हैं।